नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचते रहे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बिकेगी 5 सरकारी कंपनियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। पहला, सरकार ने 5 बड़ी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया गया है। दूसरा, दिल्ली की 1728 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया गया है। तीसरा बड़ा फैसला यह है कि सरकार ने 1.2 लाख टन प्याज इम्पोर्ट को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 7 सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्सा 51% से कम है। बीपीसीएल में सरकारी हिस्सा 51% से कम हो गया है। बीपीसीएल का मैनेजमेंट कंट्रोल निजी हाथों में जाएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी बीपीसीएल के विनिवेश से अलग हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि एससीआई कॉनकॉर्ड में सरकार अपना हिस्सा बेचेगी। टीएचडीआईसीएल को एनटीपीसी को बेचा जाएगा। निपको को एनटीपीसी को बेच दिया जाएगा। सरकारी खर्च से बनी सड़क को मोनेटाइज किया जाएगा। एनएचएआई सिक्योरिटाइजेशन के जरिए सभी पैकेज जुटा सकती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के लिए रेगुलेट किया जाएगा। सड़क को टोल के ऑपरेट और ट्रांसफर के लिए 15 से 30 साल का वक्त मिलेगा। सरकार ने बताया आखिर क्यों जरूरी है सभी के लिए आधार को पैन कार्ड से लिंक करना। मोदी सरकार ने 11 नवंबर तक 29,30,74,520 लोगों का पैन कार्ड आधार के साथ लिंक करवाने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5 सांसदों के सवाल के जवाब में इस बात की जानकारी लोकसभा में दी है। उन्होंने कहा है कि पैन को आधार से जोड़ने का मकसद डुप्लीकेट पैन को छांट करके असली की पहचान करना है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 की उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक उस व्यक्ति को जो 1 जुलाई 2017 के आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र था को आधार का उल्लेख करना है। केंद्र सरकार ने पैन को आधार संख्या के साथ लिंक करने के लिए पहले 30 सितंबर की तारीख तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर के 31 दिसंबर 2019 तक कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सरकार गठन के फॉर्मूले पर लगी फाइनल मुहर। तीनों पार्टियों ने किया सीएमपी पर हस्ताक्षर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर के बड़ा फैसला किया गया है। सूत्रों के अनुसार सरकार गठन के फॉर्मूले पर तीनों पार्टियों की मुहर लग गई है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही एक समन्वय समिति का निर्माण भी किया जा रहा है जो सरकार के कामकाज पर नजर रखेगी। इस दौरान यह बताया गया है कि कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद मिलेंगे। आपको बता दें कि तीनों पार्टी के एक गठबंधन का नाम महाविकास अधाड़ी होगा। इससे पहले शिवसेना के महागठबंधन का नाम शिव महाअधाड़ी सुझाया था, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही इस नाम को लेकर के सहमत नहीं थे। दोनों ही पार्टियां ये नहीं चाहती थी कि गठबंधन में किसी भी पार्टी के नाम को शामिल किया जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आपको बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस से खतरा। विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जोरदार सियासी जंग जारी है। हवा पानी को लेकर के दोनों एक दूसरे पर पोस्टरबाजी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आपको बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस से खतरा है। इसका कारण यह है कि 2015 के चुनाव में आपको जो वोट हासिल हुए थे वो बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के हुआ करते थे। कांग्रेस के वोटरों ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और टीम पर भरोसा जताया था। इस बार कांग्रेस पहले जितनी कमजोर नहीं है। उसने अपनी टीम में सुभाष चोपड़ा और कृति आजाद को जगह दे करके जातीय समीकरण से आम आदमी पार्टी को उलझन की कोशिश शुरू कर दी है। तमिलनाडु के लोग 2021 विधानसभा चुनाव में अपना करिश्मा दिखाएंगे। सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा है कि तमिलनाडु के लोग 2021 विधानसभा चुनाव में अपना करिश्मा दिखाएंगे और सबको आश्चर्यचकित कर देंगे। रजनीकांत ने हाल ही में राजनीतिक पार्टी मक्कम निधि मयक्कम के संस्थापक एवं उनके समकालीन कमल हासन के साथ हाथ मिलाने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन से जुड़ी बातों और मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस संबंध में निर्णय चुनाव के दौरान लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि निर्धारित चुनाव और उन्हें मुख्य भूमिका अदा करने का स्पष्ट संकेत देते हुए कहा है कि 2021 में तमिलनाडु के लोग 100% बड़ा करिश्मा करेंगे और राजनीति में सबको चौंका देंगे। बेहद तेजी से बढ़ रही चीन की अर्थव्यवस्था, आर्थिक सर्वेक्षण के परिणामों ने चौंकाया। चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने 4th राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण का परिणाम जारी किया, जिससे यह जाहिर होता है कि पिछले 5 वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था का पैमाना लगातार बढ़ रहा है। संरचना लगातार अनुकूल है, गुणवत्ता में सुधार जारी है। इसने यह साबित कर दिखाया कि चीन की अर्थव्यवस्था उच्च गुणवत्ता वाले विकास की ओर लगातार बढ़ रही है। इस बार के राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के परिणामों से 3 सकारात्मक सूचियां जारी की। पहला, तृतीय उद्योग के सेवा उद्योग ने तेजी से विकास किया, जिसने चीन की आर्थिक संरचना का अनुकूल जारी है। दूसरा, व्यवस्था में वातावरण में निरंतर सुधार आ रहा है। बाजार के खिलाड़ियों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले आर्थिक विकास के लिए जीवन शक्तियां बढ़ रही है। तीसरा, यह कि सृजन से विकास को आगे बढ़ाने में चीन की अर्थव्यवस्था के उच्च गुणवत्ता वाले विकास में अधिक ऊर्जा जुटाया जाता है।
व्हाट्सएप जासूसी पर चर्चा को लेकर के संसद की समिति के सदस्यों की बटी राय, मतदान से हुआ फैसला। व्हाट्सएप जासूसी मुद्दे पर चर्चा को लेकर के संसद की एक समिति की बैठक में बुधवार को तिखी बहस हुई और इसके बाद हुए मतदान में इस विवादास्पद मामले पर चर्चा किए जाने का समर्थन किया गया। व्हाट्सएप जासूसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं, इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसद की एक समिति की बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी मामले की अस्थायी समिति के सदस्यों की राय इस मुद्दे पर बटी हुई नजर आई। भाजपा सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा का विरोध कर रही थी, जबकि लोजपा और YRS समेत अन्य चर्चा का समर्थन कर रहे थे। आपको बता दें कि हाल ही में व्हाट्सएप ने कहा था कि इजरायली स्पाइवेयर पिगासस का इस्तेमाल करके दुनिया भर के बहुत लोगों की जासूसी की गई, जिसमें भारत के कई सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी शामिल है। भारत में NRC धार्मिक स्वतंत्रता घटाने वाला कदम। अमेरिका के एक सरकारी आयोग ने असम को कश्मीर मुद्दे से जोड़े जाने के प्रयासों के बीच कहा है कि भारत में NRC धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट का एक रुझान पेश करता है। US इंटरनेशनल कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम ने एक बयान में कहा है कि NRC धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का उपकरण है और विशेष रूप से भारतीय मुसलमानों को देश विहीन करने के लिए है, जो भारत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिरता में गिरावट का एक उदाहरण बन गया है। उन्होंने कहा है कि असम में 19 करोड़ लोगों पर राज्य से बाहर किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। यह बयान कश्मीर मुद्दे के बाद NRC का इस्तेमाल करके मानवाधिकार की आड़ में भारत के खिलाफ अमेरिका में चल रहा एक राजनीतिक पैतरा है। अमित शाह का बड़ा हमला, बोले कांग्रेस नहीं चलने देती थी अयोध्या विवाद का केस। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस की वजह से ही अयोध्या विवाद सालों से लटका रहा, कांग्रेस अदालत में केस नहीं चलने देती थी। झारखंड के लातेहर में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि हर कोई चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, मगर ये कांग्रेस पार्टी केस ही नहीं चलने देती थी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुना करके सर्वसम्मति से यह निर्णय किया है कि अयोध्या में जहां श्री राम का जन्म हुआ था वहीं भव्य मंदिर बनना चाहिए। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने इमरान खान को लगाई करारी फटकार। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने प्रधानमंत्री इमरान खान को न्यायालय के खिलाफ अपनी हालिया टिप्पणी को लेकर के नसीहत देते हुए उन्हें बयान देते समय सावधानी बरतने और कटाक्ष नहीं करने के लिए कहा है। दरअसल लाहौर उच्च न्यायालय ने इमरान खान सरकार को 700 करोड़ रुपए की बाढ़ भरने की शर्त को दरकिनार कर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इलाज कराए जाने के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी थी, जिसे लेकर के सरकार और न्यायपालिका के बीच भेद सामने आ गया है। इस पर इमरान खान ने कहा है कि वह इस अवधारणा को बदलने और संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए न्यायपालिका का साथ देने के लिए तैयार हैं। दुनिया की 324 बड़ी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए आसानी से मिलेगी जमीन, सरकार का नया मास्टर स्ट्रोक। मोदी सरकार एक नया प्लान पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र विश्व की 324 बड़ी कंपनियों को भारत निवेश करने के लिए जमीन देने पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी में एलन मस्क की टेस्ला, एली लिली एंड कारपोरेशन, साउथ कोरिया की हनवास केमिकल कारपोरेशन, ताइवान की होन और प्रिंसिस इंडस्ट्री कारपोरेशन जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को मात्र 5300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, जबकि यह उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत का निर्यात करीबन 77,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि टैरिफ वार का सबसे ज्यादा फायदा ताइवान, मेक्सिको और वियतनाम जैसे देशों को हुआ था। अक्टूबर में कश्मीर दौरे पर गए यूरोपीय शिष्टमंडल को लेकर के सरकार ने किया बड़ा खुलासा। सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि यूरोपीय सांसदों का एक शिष्टमंडल जो कि हाल ही में कश्मीर गया था, वह निजी दौरे पर देश में आया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने उन्हें यह जानकारी दी है कि यूरोपीय संसद के 27 सदस्य जो कि सत्तारूढ़ एवं विपक्षी दलों सहित विभिन्न पार्टियों के थे, दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नॉन अलायंस स्टडी के निमंत्रण पर 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक भारत के निजी दौरे पर आए थे। उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में यह बात कही कि किस संस्था ने कश्मीर दौरे पर खर्च का वहन किया और इसका आयोजन करने वाली संस्था क्या केंद्र सरकार के संयुक्त संस्था के तहत काम कर रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर मुद्दे में किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करने के लिए अपनी नीति से हट रही है, इस पर उन्होंने कहा है कि भारत का यह सतत रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ यदि कोई मुद्दा है उस पर द्विपक्षीय ढंग से विचार विमर्श किया जाएगा। सरकारी बैंकों ने अक्टूबर में बांटा 2.52 लाख करोड़ रुपए का नया कर्ज, इसमें शामिल है 1.05 लाख रुपए का नया ऋण। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों ने अक्टूबर के त्योहारी मौसम में रिकॉर्ड 2.52 लाख करोड़ रुपए का नया कर्ज वितरित किया है। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वित्तीय सेवा विभाग ने बयान में कहा है कि इसमें 1.05 लाख रुपए का नया कर्ज शामिल।
आज का माइंड किस क्वेश्चन आ चुका है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका जल्दी जल्दी सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट।